यहाँ यश नायक के लेफ्ट अपार्टमेंट में फाइट चल रही होती है और मैं भी यहाँ पे बहती गंगा में हाथ धोने की सोचता हूँ और निकल पड़ता हूँ अपार्टमेंट की ओर की तभी कुछ ऐसा होता है। बंदे को AK-46 का प्यारा सा स्प्रे देने के बाद मैं इन पे रश कर देता हूँ और ऊपर खिड़की में एक ग्रेनेड कर देता हूँ। बट इतने में मेरे राइट साइड हवा में ये एक परिंदा उड़ रहा होता है और इसे जमीन पे गिरा देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले तो मैं इसको जाता हूँ फिनिश करने। इसके बाद मैं ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूँ जहाँ पहला बंदा नॉक किया था और ये रिवाइविंग खेल रहे थे। ये तभी कुछ ऐसा होता है। मुझे इसके चौथे बंदे के फुट नहीं आते भाई, मैं तो सोच रहा था सिर्फ और सिर्फ तीन ही है, पर यहाँ पे चौथा भी निकलता है। बट मेरे ना घुसने का नुकसान हो जाता है भाई। ये बंदा पीछे कूद के पीछे वाले अपार्टमेंट में निकल जाता है और बाद में भाई ये किसी और टीम के बंदे से मर जाता है। अब जिसने उसको मारा हुआ होता भाई उसकी बारी थी मुझसे मरने की। दो बंदे और उस बंदे को भाई यहाँ पे मैं दे देता हूँ DBS का धप्पा और इसी के साथ भाई ये चार बंदे खत्म। चाहिए तो हमेशा बहती गंगा में हाथ धो, मतलब थर्ड पार्टी करो। यहाँ पे देखो ब्लू पे दो स्क्वाड की फाइट चल रही है, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी करने। अब सामने मुझे फ्री का किल तो दिख चुका है, पहले तो उसे सिक्योर करता हूँ, इसे फिनिश करते के साथ ही भाई राइट साइड मुझे खोपड़ा दिखता है बंदे का, अब उसे ही फोड़ देते हैं। बस भाई अब ये वही टाइम है जब तुम्हें इंतजार करना है कब इसका टीममेट आएगा इसे रिवाइव देने। वो रिवाइव देने आता है और मेरे जाल में फंस जाता है और उसको मैं नॉक कर देता हूँ। उसके बाद एक ग्रेनेड करता हूँ जिससे दोनों फूट जाए और भाई यहाँ पे मेरा ग्रेनेड काम कर जाता है और दोनों के दोनों बंदे फिनिश हो जाते हैं। अब इसके बचे हुए दो बंदे थे यहाँ पे जिन पे मैं रश कर देता हूँ और उसके बाद आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे DBS बाजी। दूसरे बंदे को जंप DBS मार के मजा ही आ गया। अब यहाँ पे अपार्टमेंट में ड्रॉप मंगवाया गया होता है और ड्रॉप को लूटने आता है एक ड्रॉप का लुटेरा। अब उस लुटेरे को नॉक करने के बाद हम उस पर पुश करते हैं कि तभी उसकी टीम भी आ जाती है। एक गोली गई। और भाई एक प्यारा सा स्प्रे देख के उस गाड़ी पे से एक बंदे को उतार देता हूँ। उसके बाद मैं इन पे रश कर देता हूँ और फिर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है। और यहाँ पे तीनों को हो जाता है मेरे द्वारा क्लच। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्लच के ऊपर। तो यहाँ मेरे टीममेट मर चुके थे और मैं सोलो सर्वाइवल था और मैं यहाँ पे स्क्वाड हाउस के पास आ चुका था होल्ड करने के लिए। पर मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी दो स्क्वाड की और मेरे लेफ्ट वाले ट्रिपल स्टोरी पे भी एक बंदा आ गया था और इस बंदे के बच्चे वो बंदे राइट साइड जो रिजर्व थे उस पे थे। यहाँ रिज वाले बंदे को खतरनाक स्प्रे मार के नॉक करता हूँ कि तभी मेरे बैक से मुझे बग्गी का साउंड सुनाई देता है और इन बग्गी वालों को क्या ही उतारता हूँ भाई स्प्रे मार के। इनको नॉक फिनिश करने के बाद जो लास्ट वाला बंदा बचा था ट्रिपल स्टोरी के पास उस पर पुश करता हूँ और अब इसकी बारी थी। यहाँ इस बंदे से फाइट लेते लेते मैं लो हो जाता हूँ कि भाई नीचे आता हूँ हील करने के लिए कि तभी वो बंदा मेरे पे पुश करता है और यहाँ इसका काम खत्म। और अभी यहाँ देखो मेरा सेकंड चांस होता है और भाई मेरे टीममेट भी यहाँ उतर चुके होते हैं पहले से ही और इनके पास होती है कि पूरी की पूरी स्क्वाड। अब भाई एक एक करके इनसे नॉक होके फिनिश हो जाते हैं और मैं आता हूँ उस स्क्वाड के पीछे से और भाई उनको कर देता हूँ धप्पा कुछ इस तरह से। दो तो मार दिए मैंने, तीन मार दिए। लास्ट किधर? और तीन बंदे को नॉक करने के बाद जो लास्ट वाला बंदा होता है वो मेरे टीममेट के सामने अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा होता है। लास्ट भी गया और मैं कर देता हूँ भाई रश और इन चारों को निपटा देता हूँ और अपने टीममेट को रिवाइव दे देता हूँ। यहाँ पे भाई मैं अपने कोनी सेक को लेके प्रिजन इवेंट के साइड जाता हूँ बंदों को ढूंढने के लिए और यहाँ ऊपर पहाड़ों पे रुक जाता हूँ कि तभी मुझे स्मोक दिखता है तो मैं समझ जाता हूँ कि सामने टीम है भाई। अब ये टाइम था भाई ओपनिंग निकालने का और भाई मैं देखने लगता हूँ भाई बंदा कहीं से पीक वगैरह करे और भाई ओपनिंग के चक्कर में मैंने क्या ही उस बंदे को रेड डॉट के साथ इस RL का बस्ट मार दिया और निकाल दी ओपनिंग। अब ये टाइम था भाई पुश करने का। भाई मैं अपनी कोनी सेक को लेता हूँ अपने टीममेट को बिठाता हूँ भाई और सीधा अंधा पुश करता हूँ इन लोगों के पास और यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इधर ही बंदा। Watch out! मैं नीचे। नीचे और है। दो हैं एक नहीं।
ले 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 इसको लेता हूँ रुक। यहाँ पे दो बंदों को मैं डीबीएस से नॉक कर देता हूँ भाई और मैं बहुत ज्यादा लो हो जाता हूँ फाइट लेते लेते। अब बचा था इनका लास्ट बंदा और मैं अपने टीममेट को बोलता भाई थोड़ा होल्ड कर मैं हील कर लेता हूँ उसके बाद पुश करेंगे। और लास्ट में रश करके ये टीम हो जाती है डेड। अब यहाँ पे हम चारों तरफ से बंदों से घिरे हुए थे भाई, नेड मौलिक पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही थी और इतने में मेरा टीममेट ग्रेनेड से नॉक हो जाता है। पता था और भाई अब वो टीम रेडी थी रश करने के लिए पर मेरे हाथ में होती है मौली जो मैं सीढ़ियों पे कर देता हूँ रश रोकने के लिए और फटफट से मैं अपने टीममेट को रिवाइव दे देता हूँ और उस पे भाई हीलिंग नहीं होती तो हीलिंग भी दे देता हूँ। इसके बाद मेरा टीममेट एक मौली देता है मुझे सीढ़ियों पे करने के लिए जिसे मैं सीढ़ियों पे करता हूँ और भाई पूरा का पूरा गेम पलट जाता है। यहाँ पे जलाए इस मौली की वजह से ये बंदे 1v3 हो गए मेरे से। अब मैं यहाँ पे अपार्टमेंट में होता हूँ और मेरा टीममेट भाई कहीं और ही नॉक पड़ा होता है। मेरे नीचे होती भाई पूरी की पूरी टीम, मतलब दो बंदे इस बिल्डिंग में, दो बंदे राइट वाली बिल्डिंग में होते हैं। यहाँ पे एक बंदे को खतरनाक शॉटगन चिपकाता हूँ भाई और मैं भी लो जाता हूँ तो भाई मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ हील लगाता हूँ और भाई मुझे पता है वो नीचे रिवाइव हो रहा था तो मैं उसे जाके सीधा पुश कर देता हूँ। और इस अपार्टमेंट के दोनों बंदों को फिनिश कर देता हूँ और रश कर देता हूँ सामने वाले अपार्टमेंट जहां इसके दो और बंदे थे। यहाँ एक बंदे को शॉटगन से जैसे नॉक करता हूँ कि तभी पता लगता है भाई एक बंदा छत पे से कूदता है जस्ट नीचे। तो ये इनका शायद लास्ट बंदा था जिससे फाइट लेते लेते मैं 20 HP हो गया तो फटफट यहाँ पे हील लगाता हूँ और उसके बाद दोबारा रश करता हूँ। तो भाई एक पहले मौली कर दी, अभी दूसरा ग्रेनेड, देखना भी क्या ही ग्रेनेड था ये। एक ग्रेनेड से ही टीम डेड। अब यहाँ पे मैं होता हूँ पचंगी में और मेरे सामने वाले घर में फुटस्टेप आ रहे थे बंदे के। इस बंदे को यहाँ पे नॉक करता हूँ और जो मेरे टीममेट थे वो इसके टीममेट से फाइट ले रहे थे तो मैं भी उनका साथ देने चला जाता हूँ और यहाँ ट्रिपल स्टोरी के छत पे आ जाता हूँ। ये तभी मुझे रोड क्रॉस एक बंदा दिखता है, ये भाई मैं उसे नॉक करता हूँ कि लेफ्ट साइड, तभी मेरे को एक और बंदा दिखता है जिसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ पर वो नॉक हो जाता है किसी और टीम से। और जहाँ भाई दो बंदे नॉक होते हैं वहाँ पे किल कंफर्म करने की खुजली अपने आप ही आ जाती है। दो तो नहीं पर एक किल कंफर्म करता हूँ कि तभी राइट से मेरा टीममेट नॉक हो जाता है इसके टीममेट से। और भाई अपने टीममेट को बचाते बचाते हम स्क्वाड को कर देते हैं डेड। और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्लच की, ये जोर्जो सिटी की फाइट होती है। मेरे सामने एक पूरी पूरी टीम है, बस वेट कर रहा था कि वो कोई गलती करे। उनमें से एक बंदा ओपन में आता है और मैं यहाँ पे उसको नॉक कर देता हूँ और मेरे यहाँ पे टीममेट दूर होते हैं पर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी मैं इन पे रश कर देता हूँ। यहाँ पे एक बंदे को मैं नॉक फिनिश करता हूँ कि तभी उसका दूसरा बंदा मेरे पे पुश कर देता है। और भाई इसी भी पड़ जाता है S12 का धप्पा और भाई इसका जो नॉक वाला बंदा था वो रिवाइव नहीं हुआ था अभी तक। और अब यहाँ देखो भाई वाटर सिटी के स्क्वाड हाउस में बंदे होते हैं और भाई हम लोग आ जाते हैं इनसे फाइट लेने। और मैं यहाँ अपने टीममेट को कहता हूँ भाई गलती से भी नॉक मत हो ये वरना गेम हमारे हाथ से चला जाएगा, पर भाई कुछ ऐसा होता है। तो मैं ट्रेन में एक बंदा उनका ग्रेनेड से नॉक करता हूँ और फटफट से भाई एक मौली करता हूँ और भाई अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा होता हूँ कि वो मौली से जल जाता है। तो अब मैं एक और ग्रेनेड निकालता हूँ उन पे फेंकने के लिए भाई, तभी उनका एक बंदा मेरे ऊपर कूद जाता है सीधा। नीचे कूदा शायद, हाँ नीचे कूदा। और भाई इसे भी देते हैं डीबीएस के झटके। अब बचा था सिर्फ और सिर्फ एक बंदा और भाई इस बंदे को देखो भाई इसने क्या किया है। ये बंदा डर के मारे तो भाई बीच में ही रन छोड़ के भाग रहा था और फिर कुछ ऐसा होता है उसके साथ। भाग भाग रहा है भयंकर और भाग गया। लो भाई कतई जहर वाला कार स्प्रे मार के इसे भी फिनिश कर देते हैं और यहाँ पे ये वाली स्क्वाड हो जाती है डेड।
तो चलो गाइस आज की वीडियो यहीं करते हैं एंड आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया आज की पूरी वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ, और हाँ कमेंट करके बताओ वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।